गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के यूनिट नंबर एट दैट मीन द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं आज की इस क्लास में एक्चुअल में देखिए जैसा कि हम पहले भी आप सबको विदित है कि इस कोविड नाइन्टीन के इस समय में संकट की इस घड़ी में हमारी सीबीएसई ने भी पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं कुछ ऐसा पोर्शन है यूनिट्स का सभी सिलेबस को लेकर के कि जिसमें से कुछ पोर्शन डिलीट किया हुआ है तो उम्मीद करता हूँ भरोसे के साथ कि आप ज़रूरी उस रिलेटेड पोर्शन को भी देखते होंगे कि क्या क्या हटा दिया गया क्या रिमूव हो गया क्या नया ऐड कर दिया गया एटसेट्रा एटसेट्रा तो इसी के तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो डी ब्लॉक है इसमें से काफ़ी पोर्शन डिलीट किया गया है के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम पर मैगनेट दोनों की मैथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी रिमूव किया गया कंपेरेटिव स्टडी जो लेंथेनाइड एक्टिनाइट्स की है वो रिमूव कर दी गई तो अभी इसमें जो एप ब्लॉक के रिगार्डिंग जो डिस्कशन होना है वो इसमें हम जाएंगे तो देखिए अभी हम आउटलाइन की बात करें तो इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम लेनाइट्स का जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दैट मीन एप ब्लॉक एलिमेंट को हम जैसा कि पता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से ही इन्हें पिक करके अलग रख दिया गया है ठीक है इसके अलावा लेंथेनाइड एक्टीनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड एक्टिनोइड्स यूजेस ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स लेकिन कुछ पोर्सन इसमें से डिलीट कर दिया गया है तो अभी यहाँ हमें मेनली फोकस करना है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस इतना अभी हमें इसमें लेंथ में पढ़ना है एक्टिवोट्स को नहीं पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इसमें हमें लेंथनेट किसे कहते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं उसके कंसिक्वेंसेस तो देखिए इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें ब्लॉक एलिमेंट में जिनको कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है जैसे मैंने बताया आपको इन्हें इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल को जगह आप गौर से देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि लेंथेनम के बाद जो फोर्टीन एलिमेंट हैं लेंथेनम के बाद के चौदह एलिमेंट को कम्बाइन फॉर्म में लेंथेनोइड्स और एक्टिनियम के बाद के चौदह एलिमेंट्स को कम्बाइन फॉर्म में एक्टिनोइड्स कहा जाता है तो जो लेंथेनम है उसके आप देखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज हैं उन्हीं में से बीच में से फोर्टीन एलिमेंट्स को अलग रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच के ही हैं इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है दे आर प्रेजेंट इन सेपरेट ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही बात है मेन पीरियोडिक टेबल से पूर्णता अलग इन्हें नीचे की तरफ रखा गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ्स सब सेल सो दे आर नॉन एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन electron है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन जब बनाएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ्स सब सेल में जाता है इसलिए इन्हें एप ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है लेंथेनोट्स क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर वन ऑफ द फोर एफ ऑर्बिटर्स कहा से लेके सीडियम लेंथेनम जैसे मैंने आपसे कहाफ्टी सेवन लेंथेनम है उसके बाद फिफ्टी एट आ जाता है तो फिफ्टी एट जो हमारा सीडियम है वहां से लेके ल्यूटीसीम सेवेंटी वन तक ल्यूटीसीम सेवेंटी वन तक जो एलिमेंट होते हैं अट्ठावन से इकहत्तर तक के जो एलिमेंट है चौदह वो लेंथेनोट्स में आते हैं ऐसे एक्टिनोइट्स में एक्टिनियम के बाद जो थोरियम नब्बे है वहाँ से लेके ल्यूटीसीयम वन जीरो थ्री तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक्टिनोइ्स में कंसीडर करते हैं लेकिन बार बार दोहरा रहा हूँ कि अभी इस साल फोकसिंग करना है हमें किसको किसको लेकर फोकसिंग होगी हमारी मेनली फोकसिंग की जाएगी लेंथिनोट्स को लेकर के सो दे आर ऑल्सो नॉन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में ही है इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है आप देखिए जरा इसमें कि देखो ये लेंथेनम फिफ्टी सेवन है फिफ्टी सेवन से सेवन सीधा क्या आ गया सेवेंटी टू आ गया तो इसका मतलब फिफ्टी एट से कहाँ गए देखो यहाँ बताया गया है इसमें तो फिफ्टी एट से लेकर के सेवेंटी वन तक दैट मीन सीडियम से लेकर के ल्यूटीसीम तक हमारे जो फोर्टीन एलिमेंट हैं वो हमारे लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं चूँकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इनको कम्बाइन फॉर्म में लेंथेनॉइड्स कहा जाता है और कॉमनली इन्हें एलएन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है कॉमनली इनको एल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है लेंथेनोइ्स को ठीक है तो इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल में इनको लोकेशन पोजीशन दी गई है अब देखिए लेंथेनोइट्स को डिफाइन अगर हम करने की बात करें तो इनका जन्ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए जैसा कि आप जानते हो एस ऑफ पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं जिनको टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है सो so, टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो इन्हें कहा जाता है तो वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एक लास्ट सेल इनकम्प्लीट होता है हम ट्रांजिशन एलिमेंट में हम लोगों ने देखा तो उनमें दो सेल इनकम्प्लीट होते हैं एन एस और एन माइनस वन का डी और एन एस आउटर मोस्ट सेल का तो जो रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें एक लास्ट सब सेल इनकम्प्लीट होता है डी ब्लॉक में लास्ट दो सबसेल इनकम्प्लीट होते हैं और यहाँ अभी आप देख पा रहे हो एफ ब्लॉक में लास्ट थ्री सबसेल इनकम्प्लीट होते देखो सिक्स एस में भी जा रहा है ये भी इनकम्प्लीट है फाइव डी में भी जा रहा है इसका मतलब ये भी अभी इनकम्प्लीट है और फोर एफ में जा रहा है इसका मतलब अभी ये भी इनकम्प्लीट है तो इस तरीके से ये हमारे इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है तो इसमें थ्री जो लास्ट के तीन सेल सबसेल हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं लिखा है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर वन ऑफ द फोर एफ ऑर्बिटर सो दे आर नॉन एज ब्लॉक एलिमेंट सीरियम से ल्यूटीसीयम तक है दे आर कमिंग आफ्टर लेंथेनम सो दे आर नॉन एज द लेंथेनोइट जस्ट लेंथेनम के बाद आते इसलिए इन्हें लेंथेनॉइट्स कहा जाता है तो देखिए लेंथेनम हो गया इसके बाद सीरियम ये सब आपके 58, 59 से लेके कहा तक 71 बन तक जो एलिमेंट हैं सो so, इनको कम्बाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं लेंथेनॉइड्स कहते हैं ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है जो कि हमें देखना है अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये सो so, देखिए ये लेंथेनॉइड जो है जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉमनली जो लेंथेनॉइड्स हैं उनको एलन से रिप्रेजेंट किया जाता है लेंथेनॉइड्स को तो ये एलन हो गया तो ये आपका जो एल एन लेंथेनॉइड्स हैं इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये आपके सामने है थोड़ा सा आप इस पर गौर करिए कि देखिए फाइव डी वन सिक्स एच टू फोर एफ वन फाइव बी वन सिक्स एस टू एक्सेट्रा एट्सेट्रा तो इस तरीके से ये आपके आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके अभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन जो है वो बने हुए हैं ठीक है ठीके? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन में जैसा आपने देखा कि अभी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन जो है तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन को थोड़ा देखना था और इसके साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लेंथ एनस डाइप पॉजिटिव आयन है उसका हो गया ये ट्राई पॉजिटिव आयन हो गया टेट्रा पॉजिटिव आयन हो गया ये रेडियाई दी हुई है और ये एल एन ट्राई पॉजिटिव की रेडियाई दी हुई है ठीक है तो ये कॉमन सी बात है आप थोड़ा सा इसको देखेंगे किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन किस तरीके से है इसके बाद जो हमारा टॉपिक इसमें जो है क्योंकि मैंने आपसे कहा चार चीज़ें बची हुई इसमें एक डेफिनेशन हो गया एक थोड़ा सा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और इसके कंसिक्वेंस क्या परिणाम हुए इसकी वजह से तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है तो देखिए एक और नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब भी किसी पीरियड में या हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज हो जाता है अगर लेकिन आप पीरियड में जब जाते हो तो एटॉमिक नंबर वन बाई वन करके इंक्रीज होता है जिससे नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल कॉन्स्टेंट रहेंगे तो एटोमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ चला जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो अब दो दो बातें यहाँ पर हो रही हैं एक तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है और दूसरी बात यह है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल में एंटर कर रहा है तो सब सेल में एंटर कर रहा है तो इस तरीके से वो हमारा मतलब इसमें क्या होगा इसका सीलिंग पुअर सीलिंग इफेक्ट है किशन भाई मैं आता हूं पाँच में आता हूँ पांच मिनट में बस ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ पांच मिनट में आ रहा हूँ आपके पास है ना तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा कि आपको जो फोर एफ जो इलेक्ट्रॉन में फोर एफ सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इसका पुअर सील्डिंग इफ़ेक्ट होता है इसका सीलिंग इफेक्ट बहुत कम होता है बिल्कुल वीक सीलिंग इफेक्ट होता है तो वीक सीलिंग इफेक्ट होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा एट्रैक्शन फ़ील करते हैं और जब वो ज़्यादा एट्रैक्शन फ़ील करते हैं तो जा कर के उनका जो साइज़ है वो कम होता चला जाता है इस तरीके से लेंथनॉइड सीरीज में जो एटोमिक रेडिया डिक्रीज चली जाती है उसी एटॉमिक रेडिया डिक्रीज होने को ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं क्या लिखा हुआ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में इन लेंथेनोट सीरीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन लेंथेनोट सीरीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू पुअर सीलिंग इफेक्ट ऑफ फोर एफ और बीटल में इलेक्ट्रॉन जाता है लेकिन सीलिंग इफेक्ट दैट मीन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन है वो सीलिंग इफेक्ट कहलाता है तो इनका पुअर सीलिंग इफेक्ट होता है फोर एफ का सबसे जैसा कि आपको पता है सबसे ज्यादा सीलिंग इफेक्ट एस का होता है उससे कम पी का होता है उससे कम डी का होता है सबसे कम एफ़ का होता है सीलिंग इफेक्ट तो जो पुअर सीलिंग इफेक्ट होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है सीलिंग इफेक्ट कम हो जाने से साइज डिक्रीज हो जाती है सो so, रीजन लिखा है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन टू एन माइनस टू एफ सबसे जैसे फोर एफ में कर रहा है विथ सो मोर पुअर सीलिंग इफेक्ट तो साइज घटती चली जाती क्योंकि है क्योंकि पुअर सीलिंग इफेक्ट है कंसिक्वेंस क्या है ये एक इंपॉर्टेंट बात है क्या परिणाम हो जाते हैं लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है आखिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या हो गया आपने जान लिया कि एक तो एक द पीरियड जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है और दूसरी बात फोर एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है जिसका पुअर सीलिंग इफेक्ट है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन नहीं हो रहा है अच्छे से पुअर सीलिंग इफेक्ट है ठीक है जिससे कि साइज़ घटती चली जाएगी तो इससे होगा क्या क्या कंसिक्वेंस क्या परिणाम होंगे आखिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के तो दिया हुआ है देआर सेपरेशन इज डिफिकल्ट दे देव स्मॉल डिफरेंस इन प्रपोर्सनल टू रेडियाई मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ में और इनको डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इनकी जो रेडियाई है इनकी जो रेडियाई है वो अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगी और जब रेडियाई अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सी सिमिलरिटीज़ आ जाएंगी जिससे इन्हें केमिकल मेथड्स के द्वारा इक्वेशंस के द्वारा टेक्निक के द्वारा इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता फोर एफ लिखा हुआ है अगला फोर डी एंड फाइव डी ट्रांजिशन सीरीज हमको पता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ये फोर डी और फाइव डी ट्रांजिशन सीरीज जो होती है एक्चुअल में वहीं पर हमारे ये एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं तो ड्यू टू लेंथनेट कॉन्ट्रेक्शन दे हैव द अप्रॉक्स सिमिलर रेडियाई ये आपकानेट कॉन्ट्रैक्शन का ये आपका ट्रेंड हो गया ये सिक्वेंस हो गया कि जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज़ क्या होती चली जाती है डिक्रीज होती चली जा रही है अटोमिक रेडिया एटोमिक नंबर जबकि बढ़ रहा है सो ड्यू टू पुअर सीलिंग इफेक्ट ठीक है जैसा कि आपने जान लिया अब इसके बाद आ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स चूंकि हटा दी गई लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा अपन देखते जाएं द देंथेनाइट्स आर हाईली डेंस मेटल दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट दे फॉर्म एलॉय इजिली विथ अदर मेटल्स दे आर सॉफ्ट मियव एंड डकटाइल विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इस तरीके से एक कॉमन सी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है चूँकि हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आपको सलेबस में से अभी इस बार हटा दिए गए अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनट की प्लस थ्री होती है लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे है हैं जो प्लस फोर और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं तो अभी एक क्वेश्चन जो अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बनता है कि लेंथ रेड कॉन्ट्रेक्शन क्या है इसके क्या कारण है इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं तो हम परिणाम पे थोड़ा सा एक बार और डिस्कशन आपसे करना चाहेंगे तो परिणाम की वजह से लेंथ रेड कॉन्ट्रेक्शन से हो क्या जाता है कंसिक्वेंस ये होते हैं नंबर एक तो उनका सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू दे हैव द अप्रोक्स सिमिलर रेडियाई हैंस दे हैव अप्रोक्स सिमिलर केमिकल बिहेवियर ऑल्सो इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि जो हमारी फोर और फाइव सीरीज होती है ठीक है लेंथ जो फोर डी और फाइव डी सीरीज जो होती है उसमें हमारे जो लेंथनट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनकी रेडियाई जिरकोनियम और हैफनियम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिरकोनियम और हेफनियम जो पीरियड टेबल में अगर हम बात करें हम आपको वहीं स्लाइड पर लेके जाएं अगर तो देखो आप यहाँ पाओगे जिरकोनियम और हैफ़नियम ये देखो आप ये दो एलिमेंट दिख रहा है जेड आर और एच एफ तो जर्कोनियम और हेफनियम जो है तो बीच में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो वैसे तो वी नो दैट फ्रॉम टॉप टू वाटर इन ए ग्रो दी इनक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द एटोमिक नंबर एज वेल एज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल होना चाहिए ऐसा लेकिन जिरकोनियम और हेफेनियम अप्रोक्स सिमिलर रेडियाई रखते हैं क्यों क्योंकि बीच में लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन वाली बात यहाँ आ जाती है ठीक है तो इसके बाद केमिकल प्रॉप थोड़ा सा कॉमन प्रॉपर्टीज़ कह रही हैं आप चाहो तो थोड़ा इनको देख सकते हो वैसे हमने आपसे कहा रिमूव कर दिया गया एक तो रिड्यूसिंग एजेंट हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एलोए का फॉर्मेशन करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं ठीक है इसके बाद एलेक्थस का ये कॉमन केमिकल चार्ट दिया हुआ है कि ये एक एक्चुअल एक, में हम सबको पता है कि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है प्लस थ्री है तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है तो आप जानते हो प्लस थ्री में कंपाउंड बनेंगे कोई भी अगर हमने कहा इनकी एल एन हो गई चलो इनकी ट्राई पॉजिटिव है इन पर और जब ऑक्साइड आएंगे तो ये डाई निगेटिव हो जाएगा ठीक है तो ये फॉर्मूला बनेगा एल एन टू ओ थ्री या हमने कहा हाइड्राइड बनना है तो एल एन एन ठीक है कार्बाइड बनना है हाइड्रोक्साइड बनना है एक्चुअल में ये तो छोटी सी बात है तो लेंथनट्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस थ्री है कुछ यूजेस को लेके हट गया है थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कोई नुकसान की बात नहीं है इससे ट्रेसर बुलेट बनाई जाती है जो हमारी जो एक एक्चुअल में ध्यान रखिएगा एक मिस मेटल है जो मिस मेटल है जो इससे कॉम्बिनेशन से बनती है इसमें इतने इतने परसेंट ये एलिमेंट रहते हैं इसकी एक विशेषता होती है कि थोड़ी सी भी अगर इस पर ठोकर मारी जाए तो ये स्पार्किंग क्रिएट करती है इसलिए इससे ट्रेसर बुलेट जो आपका लाइटर का फ्लिंट है वो और दूसरी बात जो बुले खिलौने जो टॉयज आते हैं जिनमें स्पार्किंग होती थी लाइटिंग होती थी पहले जब अब चूँकि उस टाइम पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज नहीं होते थे तो हम जनरली इसी मेटल को इस्तेमाल करके उनमें स्पार्कल क्रिएट करते थे ठीक है तो यहाँ एक्टिवट्स को चूंकि इस पूरी तरीके से हटा दिया गया है इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आपसे ज़्यादा इस पर डिस्कशन करें तो बस आपको लेंथ में यही देखना है ठीक है आप अपना ध्यान रखिए अपने परिवार अपने समाज के लोगों को समझाइए एक, एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते उन्हें साइंटिफिक तरीके से उसके आ, कोविड से बचने के उपाय भी समझाइए और बताइए कि वो मतलब वो हम आसानी से उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आप सबसे अपील की है उसी को मैं दोहराता हूँ कि आप भाई आप दो गज़ की दूरी बना के रखिए कंप्लीट मास्क पहनिए बाहर सावधानी के साथ निकलिए और जहाँ तक आवश्यकता ना पड़े तो बाहर ना निकलिए भगवान आप सबको प्रसन्न रखे धन्यवाद